दीदी क्या बात हुई अभी? अभी हमारे ईडी सर नहीं थे, उनके चार्ज में यहाँ उप निर्देशक सर थे प्रमोद कुमार राम, और उन्होंने मैं उनको अपना आवेदन दी हूँ और वो हमारे आवेदन से बहुत सहमत भी हैं। उन्होंने बताया कि आपके मांगे जायज है, हम सर से अभी बात करके आपके आवेदन को उनके तक पहुँचाते हैं और आपको उनसे मिलवाने का भी पूर्ण कोशिश करेंगे। जो बड़े आपके सचिव हैं, क्या उनसे मुलाकात होने की कोई संभावना? अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैंने अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैंने एकता जिंदाबाद, 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 आज तो हम एक हैं, एक हैं, आज तो हम एक हैं, एक हैं, आज तो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लिए। आज फिर से हमारे एनएम बहन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति भवन के घेराव किए थे और ईडी सर से मिलने के लिए गए थे। ईडी सर नहीं थे, उनके चार्ज में उपनिदेशक सर थे प्रमोद कुमार राम, उनको हमारे बहन ने आवेदन दिए हैं और प्रमोद सर बोले हैं जो हम सर से अभी बातचीत करके आपके आवेदन को हम सर के पास पहुँचाते हैं और कोशिश करेंगे उनसे मिलवाने के लिए, इतना प्रमोद कुमार राम सर बोले हैं। और देख लीजिए तेजस्वी यादव हाय हाय, ईडी सर हाय के नारा लगाया गया है, ईडी सर मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारा आज बिहार स्वास्थ्य समिति भवन में लगाया गया है, जो कि वीडियो हम आप खुद देखे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए हमारे भवन
हार मानने वाले नहीं हैं। लगातार आज 24वां दिन है, कल ही 23 दिन हो चुकी थी और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं वे सभी स्टूडेंट पहुंचिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए सरकार की एक ही कमजोरी है चुनाव, और अभी आगे चुनाव है। इसीलिए अगर आप लोग यूनिटी ज़्यादा रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, तो सरकार हर हाल में मानेगी ही मानेगी, आपको ही पता है। क्योंकि देख लीजिए तेजस्वी यादव भी मिलने से भाग रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ईडी सर भी मिलने से भाग रहे हैं, तो अब देखिए पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक ही भाग रहे हैं, हमारे एनएम बहन से कोई नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों आवाज़ इतना बुलंद हो चुकी है पूरे बिहार के अंदर एनएम बहन का, 23 से 24 दिन में ये स्थिति बन चुकी है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पहुँच रहे सभी स्टूडेंट पहुँचिए, लास्ट में यही होगा देख लीजिएगा, जो तेजस्वी यादव आएंगे और बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो हमारे वन की जीत हुई, जो हम एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे वह वापस ले रहे हैं और काउंसलिंग के लिए डेट हम रिलीज कर रहे हैं। इसलिए हमारे वन जो भी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करना, अपने अपने घर जाइए और अपने अपने ड्यूटी पर वापस लौट जाइए, देखिएगा लास्ट में यही होगा। और जो निगेटिव मार्क लगाया गया है, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, अगर निगेटिव मार्क लगाया गया है तो लास्ट में निगेटिव मार्क हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। कल भी लाइव आए थे तो हम आपको बताए थे, तो लास्ट में यही होगा देख लीजिएगा, जो काउंसलिंग ही होगा, जितना परेशान करना अभी परेशान कर रहे हैं तो लास्ट में यही होगा, क्योंकि आगे चुनाव है, आपको ही पता है कोई भी सरकार इन्हें चाहती है कि मेरा कुर्सी जाए नहीं, मेरा सत्ता बचा रहे हैं। इसीलिए लास्ट में यही होगा, जो काउंसलिंग के आधार पर इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों आज जो अपडेट निकल के आई है वही अपडेट हम आपके भी शेयर किए। सुबह एक वीडियो बनाए थे, आप लोग बोले थे सर एक वीडियो को कितना बार आप लोग दिखाते हैं, तो दोस्तों कल शाम में जो वीडियो बनाए थे हम आपको दिखाए थे, और जो स्टूडेंट के द्वारा जो वीडियो भेजा जा रहा है वही वीडियो हम आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट द्वारा जो वीडियो भेजा गया था मॉर्निंग में, हम वही वीडियो आपको अपडेट किए थे, और अभी जो वीडियो भेजा गया है देखिए, यह आज का धरना प्रदर्शन का है जो कि हम आपको अपडेट किए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट प्लीज़ अभी तक आप लोग नहीं जा रहे हैं VTSC ANM 10709 पोस्ट के स्टूडेंट, आप लोग भी धरना स्थल पर जाइए, आप लोग भी उनको साथ दीजिए, ताकि सहयोग ज़्यादा रहेगा तो और मनोबल के साथ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। थैंक यू।